दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों और वैट घटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि डीजल पर दिल्ली सरकार 15 रुपये वैट घटाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदूड़ी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वैट की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया है। उन्होंने कहा कि डीजल पर वैट कम होने से कॉमर्शियल व्हीकल्स पर असर पड़ेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे है और डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। पिछले महीने के आखिरी से इस महीने की शुरुआत तक तेल कंपनियों ने 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए थे, हालांकि इसके बाद किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को कोविड संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, राज्य से वैट कम करने को कहा था, लेकिन कई राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने ऐसा नहीं किया। मोदी बोले, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।